हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कैसे आप लोग अपने लीवर को साफ रख सकते हैं। अगर आप लोगों को भी तुरंत खाना खाने के बाद शौचालय जाना पड़ता है तो इसका सीधा मतलब है कि आपका जो पाचन तंत्र है वो सही नहीं है, आपका पाचन तंत्र खराब हो चुका है। तो आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप लोग अपने लीवर को साफ कर सकते हैं, अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में एक ऐसा बेहतरीन घरेलू तरीका बताने जा रही हूँ जिस तरीके को अपना के आप लोग अपने लीवर की सफाई आसानी से कर सकते हैं और आप लोग अपने लीवर को तंदुरुस्त भी रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। हमारे लीवर का सही से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा लीवर सही से काम नहीं करता है तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, काफ़ी सारी बीमारी हो सकती है। अगर हमारा लीवर ही कमज़ोर पड़ चुका है, उसकी कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है, किसी मिनरल्स को वो स्टोर नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि हमारा लीवर हमें डिटॉक्सिफाई करना है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने लीवर को साफ करने के लिए जो घरेलू उपाय करना है वो है लौकी, हरा धनिया, गिलोई और काला नमक। आप लोगों ने एक बड़ी लौकी लेनी है, 50 ग्राम हरा धनिया लेना है, एक चुटकी काला नमक या फिर सेंधा नमक भी आप लोग ले सकते हैं और 3 चम्मच गिलोय का जूस आप लोगों ने लेना है। एक गिलास लौकी का जूस आप लोगों ने निकाल लेना है, उसमें 50 ग्राम हरा धनिया को आप लोगों ने ग्राइंड करके पीस करके जूस में डाल देना है। 3 चम्मच गिलोय के जूस को भी आप लोगों ने उसमें मिक्स कर देना है। आप इसके अंदर 1 चम्मच नींबू का रस भी मिक्स कर सकते हैं, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है आप लोगों को करना है या नहीं करना है। इसके अलावा आप लोगों ने इसमें 1 चुटकी काला नमक मिक्स कर देना है। ये जूस आप लोगों का तैयार हो गया है जो कि लीवर को डिटॉक्सिफाई करेगा, लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ा देगा। अगर आपका पेट फूला फूला महसूस रहता है तो वो समस्या भी इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने आप लोगों को बता तो दिया है कि आप लोगों ने इस जूस को कैसे बनाना है, लेकिन आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि आप लोगों ने जूस कब लेना है और किस समय लेना है। तो मैं ये भी आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों ने इसे शाम को खाली पेट लेना है। जूस को पीने से ना हमारे शरीर बल्कि हमारे लीवर में से भी जो विषैले पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर भी बूस्ट होती है। जूस का सेवन आप लोगों ने हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर करना है। आप लोगों ने इस जूस को लगातार 3 महीने तक फॉलो करना है। 3 महीने तक फॉलो करने पे ही आप लोगों को इस जूस का असली रिजल्ट मिलेगा और आप लोग देखेंगे कि जो आप लोगों के शरीर में लीवर से जुड़ी समस्या है, आप लोगों का जो लीवर साफ नहीं रहता है, आपको लीवर से जुड़ी काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं, वो सारी खत्म हो जाएंगी। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा है, ये हमारे लीवर को तंदुरुस्त रखता है, हमारे लीवर से सारी गंदगी को बाहर निकालता है, हमारे लीवर की कार्य क्षमता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है और हमें कई सारी बीमारियों से भी ये बचा के रखती है। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को अपनी एक और नई हेल्थ वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।